हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स नॉट एवरी न्यूज इज रेलिवेंट फॉर यू पी एस सी प्रेपरेशन हाई माई नेम इज़ रोहित गर्चा एंड आई एम हेयर टू ब्रिंग यू विद ट्वेंटी फाइव ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अभिमन्यू आई ई एस विच हेज गिवन मोर देन ट्वेंटी टू हंड्रेड सेलेक्शन सिंस नाइनटीन नाइनटी नाइन दिस इज अ सेवन मिनट करंट अफेयर सीरीज कॉल्ड टू द पॉइंट जिद से जीत तक हाई एवरी वन बच्चे आई होप कि आप लोगों की जो तैयारी है वो ऑन पॉइंट चल रही है Um, ये लास्ट लास्ट का टाइम होता है कि जब नोटिफिकेशन आने वाली होती है आई थिंक uh, आप लोग भी एक्स्ट्रा आवर्स पुट इन कर रहे होंगे राइट तो आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि बहुत ठंडे दिमाग से आपने ये प्रिपरेशन को जो है अप्रोच करना है ट्रस्ट करना है आपके अभी तक की तैयारी को राइट right? और जो आपने प्लान बनाया है जो भी आपका प्लान है राइट आई डोंट नो आपका प्लान क्या है बट आई स्टिल आई एम स्टिल से आई ट्रस्ट यूर प्लान और जो भी आपका प्लान है उसको आपने जो है सिस्टमेटिकली फॉलो करना है एंड स्टिक टू योअर प्लान राइट चलिए बच्चे आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एक स्पीशीज के ऊपर टॉपिक है राइट मैं नाम इसका बाद में बताऊंगा पर जस्ट एक बार इस पिक्चर को आप ध्यान से देखिए आपने ये वाले जो फ्लावर्स है ना ये आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके ग्राउंड में खेलते हुए या कहीं पे आपने डेफिनेटली ये वाले फ्लावर्स जरूर देखे हैं राइट क्या नाम है इनका ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुए हैं राइट इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे प्लस छोटा सा जो एक और इसके साथ का लगता हुआ टॉपिक है वैसे कुछ लोगों को पता भी होगा उसके बारे में दैट इज द इन्वेजिव स्पीशीज राइट सो ये जो पर्टिकुलर प्लांट है जिसको लेंटेना बोलते हैं राइट right? लेंटेना लेंटेना है ना जैसे भी आपको अलग अलग तरीके से आपको अलग वीडियोज में सुनने को मिलेगा बट जो प्रॉपर प्रोनाशिएशन है वो उसकी लेंटेना है है ना एंटेना से मैच खाती हुई राइट right? सो so ये जो लेंटेना प्लांट है है ना आपने ये आप अब ध्यान से देखिए एक बार पिक्चर को यू मस्ट हैराउंड आपने देखा होगा कहीं ना कहीं और क्यों ये बात मैं दो दो तीन बार रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आप में जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं आप लोग अलग अलग पार्ट से हैं इंडिया के राइट right? कोई कहीं से देख रहा है कोई कहीं से देख रहा है कोई हिमाचल से देख रहा है कोई हरियाणा से देख रहा है राइट right? हो सकता है कोई तमिलनाडु से देख रहा है इधर उधर से आपके जो वीडियो है आप सारे लोग देख रहे हो लेकिन ये प्लांट आप सबने देखा हुआ है दैट मीनस की ये जो इन्वेजिव स्पीशीज है ये ऑलमोस्ट पैन इंडिया है और अगर ये स्पीशीज ऑलमोस्ट पैन इंडिया है तो हम सोच सकते हैं कि ये कितनी डेंजरस स्पीशीज है राइट right? अगर पैन इंडिया है दैट कि ये एक वेरिड अमाउंट ऑफ वेरिड क्वांटिटी ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है एक वेरिड रेंज ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है ये सर्वाइव कर सकता है एक रेजिलियंट प्लांट है और ये बहुत घना भी होता है राइट right? आइए थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देखते हैं इसका है ना अगर पेपर के अंदर कोई इसके अंदर यूपीएससी के अंदर कोई डायरेक्टली सवाल आता है तो वो स्टेटमेंट इसके ऊपर हो सकता है वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द प्लांट राइट कुछ इस टाइप के आपके वो आ सकते है। उसके अंदर ये सब स्टेटमेंट्स आपके लिए थोड़ी सी जरूरी हो जाती है आइए बच्चे देखते हैं ये इंट्रोड्यूस किया गया था ब्रिटिश ब्रिटिशर्स के द्वारा बच्चे एटीन हंड्रेड के अंदर राइट एंड इट्स इट्स एन ऑर्नामेंटल प्लांट ऑफकोर्स स्पीशीज है और इंट्रोड्यूस की गई है तो उसका और कोई काम नहीं होगा इसका काम सिर्फ होगा अच्छा की तरफ होते थे और दिखावा ना करने की बात करते थे थोड़ा काम जीवन की बात करते थे दिखावे से ये होता है बच्चे आपने ऑर्नामेंटल एक ऑर्नामेंट लगाया है ना दिखाने के लिए कि देखने में सुंदर लगे लेकिन उसका पर्पज उल्टा पड़ गया है

तो इतना ज्यादा इकोलॉजी का पार्ट हो चुका है इतना ज्यादा कल्चर का पार्ट हो चुका है कि इसके नाम पड़ गए हैं, क्योंकि लगते हैं, है ना? तो राइट सम, सम right? एक, एक uh, right? इसी के साथ में एक जो इंपॉर्टेंट uh, ये न्यूज में भी आता रहता है जो नीलगिरी बायोस्फेर रिजर्व है आपका बच्चे इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपैक्टेड हॉटस्पॉट्स और अगर इसके ऊपर आता है कि बीच वन ऑफ फॉलोइंग फॉरेस्ट इज आर अफेक्टेड बाय है ना प्लांट द प्लांटी स्पीशीज राइट तो उसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर के देखना पड़ेगा है ना जैसे अगर नीलगिरी बाय रिजर्व के अंदर है और आपने जहां जहां इसको देखा की में होता है बस वहां पे जहां पे प्लांट्स ही नहीं है जीरोफिटिक कंडीशंस है वहां आपको ये मिसिंग दिखता है इसके अलावा आपको इसके ये आपको हर जगह ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है प्लांट अब थोड़ा सा प्लांट के बारे में देख लेते हैं इट इज हैवीली ब्रांच श्रब

ज एन इंट्रोड्यूस स्पीश इन न्यूमरस एरिया ऑस्ट्रेलियन पैसिफिक रीजन साउथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया मतलब ये कोई लोकल फिनोमिना नहीं है ये बाकी जगह पे भी इसका जो uh, इशू है बाकी जगह पे भी है राइट right? इसके अलावा जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चे लीव ग्रो ओपोजिट वन एंड अदर लॉन्ग दिस स्टेम एंड मैनी लेंटनास

This 7-minute to-the-point series is specially designed for your prelims examination. If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting three things. Number one, weekly classes. Number two, weekly PDFs of current affairs. Number three, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below zid se jeet tak and if you are ziddi enough subscribe for regular updates this tailor made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for upsc civil service examination 2024